गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज कैमरा ब्लॉग होने वाला सलोनी दी के साथ। तो सलोनी दी का सूट है, सूट वो करने वाला मैं। और चलो यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं कैसा सूट होता है आज। हम फाइनली पहुँच गए सलोनी दी के घर, मैं घर से निकल चुके हैं। है गाइस, जैसे कि हम अपनी लोकेशन में पहुँच चुके हैं, बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। उतारना था, उतार दिया था ऐसा होता है क्या? इतना वेट करना पड़ा पता है? चाय कैसी लगी है? ठंड में हालत खराब हो गई। कैमरा ऐसे ही ओपन होता है ना? ब्यूटीफुल लोकेशन। हाँ भाई, तुमने ना जीन्स रेडी हो रही है, तो उसके रेडी होने के बाद शूट करते हैं। रेडी हो रही है और दीदी को लग रही है ठंड। राज मेरे को लग रहा है शॉर्ट के बाद चाहिए। मुझे ठंड नहीं लग रहा ब्रो, इतने कपड़े पहन रखे थे ये देखियो। ठंड ठंड लगेगी आपको? मुझे नहीं लग रहा। हाँ आपको थोड़ा ठंड लगेगी, जिस वक्त आप लोग स्वेटर वेटर आके पहना करो। गल्ती कर दी आपने, गलती कर दी। अबे शूट तो इसमें आउट में करना है ना। कोई नहीं तो फिर, बट अब कल मैं कुछ ऐसा विंटर लुक। भाई जब तक खुद नहीं मेहनत करेगा जब तक वायरल नहीं हो सकता है ना दी। वीडियो बनाता हूं और क्या चाहिए मेहनत के लिए। तो मेरी फोटो शूट किया कर, तू वायरल हो जाएगा। तो मैं कैमरामैन से वायरल हो गया। रेडी हो गई शूट। यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, यहाँ से हम निकलते हैं दूसरी लोकेशन में, देखते हैं। दीदी का सारा मूड खराब हो गया है ना दी। गार्ड ने दीदी का सारा मूड खराब कर दिया शूट निकलने का। ब्रो तूने कुछ क्यों नहीं बोला? मैंने बोला, इतना बोला कि बेचारा चला गया। आप में अब चलते चलते एक सीन ली गई है आपकी। हाँ तो ले लेंगे मेरे को कैब, मेरे को फिर नहीं, नहीं नहीं नहीं, आप इसमें कैमरा में आपने अपनी फोटो भिजाई है। यहाँ पे कौन आया था? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट आया था। तुम नहीं मिले आप उससे? नहीं, वहाँ तो वो तो पुलिस लगी थी और रोड पूरा जाम था। ये हमारी दी भी आलिया भट्ट से कम नहीं है। गाड़िया ने पहले ही बोला ये आलिया भट्ट लग रही है ना। जी लोग आया, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मुझे पकड़ा दिया है कुल्ली समझ के। अब ये कैमरा मैन और ये दी सीट पे। अरे देखा, मतलब मैं बुरा हो गया। कैमरा मैन शकल दिखा। देखो भाई कल से मैं ज्वाइनिंग हो गया। टाइमिंग बता दो थी। जैसे तुम्हारे कोई इसमें वो नहीं है। चलो मैं आराम से खा पी के सो के दोपहर में आऊंगा। ये आलिया भट्ट की बड़ी बहन। ब्रो मैं क्या हूँ? ये कैमरा मैंने देखा, आलिया भट्ट की बहन ही है। ये कैमरा मैंने देखा, यहाँ शूटिंग बहुत अच्छी हुई है। और ये आलिया भट्ट की सिस्टर है, उनकी फिल्म को रिलीज किया जाए। बहुत बहुत आपके प्रचारों या आपके दर्शक को धन्यवाद। हाँ जी, राम लखन। बहुत अच्छे अंकल है ना। थैंक यू अंकल, थैंक यू। हम जा रहे हैं दूसरी लोकेशन पे, देखा जाएंगे। सिर्फ देखने जा रहे हैं, शूट नहीं करेंगे, क्योंकि दैट इज अ मंदिर का लोकेशन है, आई कैन नॉट फियर शॉर्ट कट्स देयर। तो वहाँ पे थोड़ा इश्यूज होंगे, आंटियां होंगी, सब होंगे, तो दीप अजीब सा लगेगा मंदिर में। आई कैन नॉट फियर। वो पूजा करने जाएंगे। ब्रो कुछ बोलेगा? देर में हम पूजा करने जाएंगे। लोकेशन देखने जा रहे हैं, वी कैन डू इंडियन। और शायद नेक्स्ट टाइम हम वहाँ पे शूट करेंगे तो ब्लॉग में लीजिएगा। बेचारा ब्रो जा रहा है, दीदी को सामान उठाना पड़ रहा है। घर आ गए और चलते हैं घर। हमारे कॉरियर बॉय, ये सब्जी लाने का स्टाइल न्यू। ये आ गई सब्जी। अबे काट मत। आऊं मैं आ गई। प्यार से बैठ गए। परेशान नहीं करना प्रीति दीदी को, उनको डर लगता है ना देख से। ओए ब्लस हो ब्रो, बुला रहे हैं। इधर आ जा, आ जा तेरा छोटा भाई। ब्लस हो खाने का इंतजार कर रहा है क्या? जैसे कि देख सकते ब्रो पराठे खा रहे हैं अभी। पराठे बहुत अच्छे हैं आपके। बहुत अच्छा लगा खा के।
पराठा खा लिया है, गुरु का पराठा बचा है और पैसा मुझे देना है। तो मुँह के बना रहे हैं फिर? पराठे का पैसा मुझे देना है ब्रो। सच में दी पैसे लोगे इसे? दी ने बहुत अच्छे पराठे बनाए बनाए तो उन्होंने, मगर ये देखो सारा पराठा ख़त्म। मेरा बच्चा हुआ थोड़ा सा खाएगा? नहीं मैं नहीं खाऊंगा, पैसे पे कर दे बस। दी से फ्री में मर जाने देना इसको बाहर कहीं, पैसे ले लेना सारे। नहीं काट देना बाल। इसने अभी ना झूठ फोन पे किसी को फोन झूठ बोला कि मैं हेयर कट कर रहा हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। तो मैंने कहा यार मेरे भी हेयर कट कर दे, मैंने ना ट्रिम करवाने हैं, घर ही बैठे बैठे हेयर कट हो रहे तो क्या है। जैसे क्या है ना कि हम कैंची लाना भूल गए हैं, तो कैसे कटिंग होगा बताओ? बताओ कैसे ऑर्डर कर देती हूँ कैंची ले। ठीक है आप कैंची मंगवा नई वाली, क्योंकि घर पे जो होगी वो तो इतनी वो नहीं होगी ना फास्ट वाली। पराठे खाना छोड़, दीगा सुन, खाओ पियो मस्त, फिर उसके बाद काम होगा। पहले खाओ उसके बाद लो, उसके बाद काम होगा। ये काम फिर वो अच्छे से दिमाग लगाता है ना, कहीं मेरे को कुछ ज्यादा ही काट दे मेरे बाल वी शेप में यू शेप में। नहीं नहीं जैसा आप बोलोगे वैसा काट देंगे। यहाँ पे टेबल पूरा साफ, मेरा साफ नहीं है अभी भी, ये बचा है चाय। सो गाइस अब हम जा रहे रील बनाने और रील पोस्ट होंगे तो देख लेना कैसे। ये देखिए बालकनी, ये देखिए बालकनी में हमारा ब्रो, ये भी क्या करेगा ब्रो, रील बनाएगा? वीडियो बनाएंगे। रील तो बनाएगा ना? नहीं हम वीडियो बनाएंगे। गाइस अब हम जा रहे अपने घर और दी को भी भाई बोलते हैं। ब्रो घर चलें? घर चलो, अगर मेरा कुछ रहा होगा दी रख देना, ठीक है मैं आऊँगा तो ले लूँगा। ओके चोरी कर जाए लगा रहे क्या? नहीं मतलब अगर छूट बढ़ जाए तो। देख रहे हो बाल तो काटे नहीं देखे तूने? दी मैं आगे काट दूँगा नेक्स्ट टाइम। हाँ बाय बाय, अपने भी बिजी रहता है ब्रो का छोटा भाई ये है ना। चलो ब्लेस यू बाय, रात तेरे पीछे नहीं छोड़ चलो मेरे घर, चलो आ जाओ देख मेरे घर जा, देश को ले जाएगा राज ले लो से। ब्लेस यू बाय दे बाय। तो गाइस हम अपने घर जा रहे हैं अब, जैसे कि देख सकते हैं हम अपने घर के लिए रवाना हो चुके हैं और मेरे साथ ब्रो। ब्रो अच्छा लगा के? इतना अच्छा लगा कि मेरा घड़ी जो दिया था गिफ्ट में से वापस ले लिया। इस कैमरा घड़ी ये इस मैंने वापस ले लिया। गाइस मुझे पता है मेरे ब्लॉग में बहुत सारी कमियां होती हैं और कमियां ना धीरे धीरे सुधर जाएंगी सारी और ब्लॉग भी अच्छा आने लगेगा धीरे धीरे। मुझे ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बहुत सारा प्यार।